13 देखिए, यहाँ इफ ए मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए ए इंटू ए कर देना होगा, माइनस वन जीरो 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 माइनस वन वन सॉरी जीरो 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 माइनस वन, और इंटू में यहाँ माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 माइनस वन। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से जीरो है ना, माइनस का जीरो माइनस का जीरो प्लस का जीरो, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ जीरो माइनस का जीरो माइनस जीरो, यही ना होगा। और फर्स्ट रो में अब सेकेंड कॉलम से तो जीरो माइनस का फिर माइनस जीरो प्लस जीरो, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो जीरो प्लस वन प्लस जीरो। तो यहाँ फिर अब आपका यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, फर्स्ट रो में अब थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये हमें क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है थ्री ऑर्डर का, या फिर हम लोग निगेटिव ऑफ ए लिख सकते हैं, इसी का ना निगेटिव आ रहा है, देख लो ये अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यही ना हो जाएगा, यानी निगेटिव ऑफ माइनस से लिखिए या फिर आइडेंटिटी लिख दिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।